आपको जब भी ऐसी कोई चीज होती है जो कि इमरजेंसी, जिसका सोल्यूशन इमीडिएट होना है, आप उसके लिए बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते हैं, तब आप बिल्कुल 112 को डायल करें। ये देहरादून की देखिए आप इन गाड़ियों की लोकेशन देखते रहिए, ये कैसे कैसे फैली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो महिला सुरक्षा का मुद्दा हर प्रदेश की तरह यहां पर भी उठता रहा है। अंगिता मर्डर केस की बात करें तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुद्दा काफी ज्वलंत हो गया। अब यहां पर सवाल ही उठता है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने क्या कुछ कदम उठाए, ये सब जानने के लिए आज हम देहरादून में यहाँ पर मौजूद हैं। विजिलेंस के डायरेक्टर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ITGA के डायरेक्टर भी रहे हैं, साथ ही साथ ADG हैं टेलीकॉम में, और ये किस तरह से IT फ्रेंडली बना रहे हैं उत्तराखंड पुलिस को, यहाँ के ऑफिसर्स को, यहाँ के वर्क कल्चर को, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर के टेबल पर आप कोई फाइल यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि सब कुछ IT फ्रेंडली यहाँ पर है और सारे यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं इसी तरह से इसी वर्क कल्चर को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, और उनका कारण है सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड। थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं आज सर महिला सुरक्षा को लेकर, और इसको लेकर हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कदम यहाँ पर आपने उठाए, आपके द्वारा टेक्निकली क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, मैं अगर महिला सुरक्षा को लेकर आप पूछे तो सबसे पहला कदम जो है वो पूरे भारतवर्ष में जो निकला था वो डायल 112 का था, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला किसी भी कंडीशन में कहीं से भी अगर 112 नंबर डायल करती है, या कोई पुरुष फॉर दैट मैटर कोई भी व्यक्ति करता है, तो वो किसी न किसी भारत के किसी न किसी कंट्रोल रूम में पहुंचेगा। भारत के लगभग सभी राज्यों की राजधानी में से उत्तराखंड, हम लोग तो उस समय इसके नेतृत्व वाली श्रेणी में थे, हम लोग शुरुआती स्टेट से जिन्होंने कि इसको लॉन्च किया, बल्कि हम लोगों ने सबसे पहले इसको बनाकर तैयार कर दिया था। 112 का फोन किसी भी स्थान पे उत्तराखंड में आप कोई महिला किसी डिस्ट्रिक्ट में दबाती है तो ये हमारे उत्तराखंड के पुलिस कंट्रोल रूम में, वहां पर हमारे 30 कॉल टेकर बैठे हुए हैं, उन 30 कॉल टेकरों के किसी एक कंप्यूटर पे वो लैंड करती है, वहां वो उस कंप्यूटर पे उस जो भी डिस्ट्रेस में उसकी बात सुनती है और उस कॉल को फिर कॉल डिस्पैचर को ट्रांसफर करती है, जो कि कॉल डिस्पैचर उसी स्थान पर हमारे एक प्लेस पे बैठे हुए हैं, और साथ साथ वो कॉल जो है मुश्किल से 2 या 3 मिनट उसको लिखने में लगता है उस कंटेंट को, और उसके बाद उसको वो उस स्थान पे, जिस स्थान पे डिस्ट्रेस्ड महिला बैठी हुई है, उस स्थान पर जो नियरेस्ट हमारा पुलिस कंट्रोल व्हीकल है, जो डायल 112 का हमारा व्हीकल है, उस व्हीकल पर हमने एक MDT दे रखा है, मोबाइल डिवाइस टर्मिनल, उस टर्मिनल पे ब्लिंक करता है कि आपके नजदीक में ये महिला है, इसको कुछ कष्ट हुआ है, इसके पास आप जाइए, तो वो गाड़ी वहां तक पहुंचती है, वहां पहुंच के उस महिला से जो डिस्ट्रेस में उससे बात करती है, उसके समस्या का निदान करती है, और उसी समय निदान करने के साथ ही वो उसको केस को क्लोज करती है। तो एक तरह से एक लूप जो है क्लोज होता है उस महिला के डिस्ट्रेस कॉल से लेके उस महिला को रिलीफ मिलता है। ये पूरा प्रोसेस होने में अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन की बात करें सर तो कितना ये पूरा? देखिए, ये मैं बहुत, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि इस पे ही हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है। हमारा जो पूरी पुलिसिंग अगर देखिए तो पूरी पुलिस की एफिशिएंसी इसी पे है कि हम इस रिएक्शन टाइम को कैसे मिनिमाइज करें। तो अभी जो है हमारा करीब 20 मिनट का है, चूंकि आप जानते हो पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे कई बार नियरेस्ट पोजीशन जानना बड़ा मुश्किल होता है कि को किस स्थान से बोल रहे हैं, और वहां तक गाड़ी को पहुंचने में एक अपना टाइम लगता है, उसके बाद उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझना, और वो पहुंचते ही वो अपना लूप को क्लोज कर देता है कि हम वहां पहुंच गए, तो इससे रिएक्शन टाइम तो पहुंचने तक का होता है, समस्या का निदान होने थोड़ा और समय लगता है। ड्यूरेशन की बात करें और आपने की बात है कि व्हीकल को पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, तो इससे पहाड़ों की बात करें तो वहां पर भी थोड़ा सा अगर कहीं सड़क की दिक्कत है मान लीजिए तो वहां पर भी दिक्कत होती होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक और चीज सबसे अच्छी है कि अब हमारे पास गाड़ियां कई सारी हो गई हैं। शुरुआत हम लोगों ने की थी उस समय हमारे पास 100 गाड़ियां थी, अब हर थाने पे गाड़ी है, उसके अतिरिक्त भी हमारे कंट्रोल रूम व्हीकल्स हैं, तो अगर इन 200-250 गाड़ियां जो हमारी इस काम में लगी हुई हैं, इसके हमारे पूरे पहाड़ पे मैपिंग की हुई है जहां जहां गाड़ियां जा सकती हैं, इसीलिए रिएक्शन टाइम पहाड़ का हमारा 25 मिनट से ऊपर का नहीं है।
अगर इसके हम डेमो की बात करें कि अगर जैसे महिला कोई किसी सिचुएशन में फंसी हुई है, मान लीजिए मैं ही फंसी हूँ, मुझे तुरंत हेल्प चाहिए, तो किस तरह से हो सकता है अगर आप फोन में डाल? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर आप ये फोन देख रहे हैं, एक तो फोन का पैनिक बटन, जितने भी फोन बने हैं ये पैनिक बटन 112 डायल करने के लिए बने हैं। अगर इस फोन को पैनिक बटन 3 बार प्रेस करेंगे तो 112 डायल हो जाता है, और उसके अतिरिक्त अगर 112 नहीं भी डायल होता तो आप इस फोन को, आप इसमें डायलर पे जाकर आप 112 डायल करते हैं। 112 डायल करते ही आपको कंट्रोल रूम से एक कॉल जनरेट होता है, कंट्रोल रूम एक ऑटोमेटिक कॉल करता है। उत्तराखंड में आपका स्वागत है, सहायता के लिए एक दवाई, वेलकम टू डायल 112 उत्तराखंड, प्रेस 1 टू कंटिन्यू। नमस्कार, ये एक टेस्ट कॉल ले रहा हूँ मैं, अमित सिन्हा बोल रहा हूँ, टेस्ट कॉल ले रहा हूँ। अब चलिए, अब वो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप ये भी दिखाई कि 112 वाकई में यहाँ पर कोई कंट्रोल रूम है अगर, तो वहाँ से कैसे प्रॉपरली कैसे काम होता है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं वो थोड़ा और बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। और अगर जैसे आप महिला, आप अगर कोई देख रहे हैं हमारे दर्शक, तो आप भी समझ पाएंगे कि अगर कभी आप कॉल करेंगे तो कितना वो टाइम लगेगा, किस तरीके से वो एक प्रोसीजर होता है, तो ताकि काफी आसानी होगी आपको इस समझने में। तो चलिए यहाँ से चलते हैं कंट्रोल रूम, जहाँ पर 112 कैसे काम करता है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं डायल 112 की यहाँ पर ऑफिस, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस सहायता के लिए, यानी कि 112 आपको डायल करना है पुलिस सहायता के लिए। अब यहाँ पर ये पूरा जो सिस्टम है काम कैसे करता है, आप कभी कोई सिचुएशन में ऐसे है स्ट्रेस जहाँ पे आपको लगता है कि तुरंत आपको इमीडिएट पुलिस की हेल्प चाहिए, तो आपको 112 डायल करना है, लेकिन उसके बाद चीजें कैसे होती हैं, प्रोसीजर पूरा कैसा है, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करने के लिए पहुंचे हैं। सर हमारे साथ भी हैं, और यहाँ पर सर थोड़ा सा बताएं कि काम पूरा कैसे होता है, हम यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी देख रहे हैं, फोन क्या कर सकता है? देखिए ये CRM डेस्क पार्ट है, इसमें केस रिकॉर्ड मैनेजमेंट पार्ट होते हैं, इसको यहाँ पे जो कॉलर करता है, कॉलर जो करता है वो यहाँ पे पिक होता है। यहाँ पे हमारे पास टोटल PRI लाइन्स जितने भी हैं, वो PRI लाइन में क्या होता है कि वो सिंगल लाइन डाइवर्ट बहुत सारे पार्ट बटे रहते हैं, तो एक कोई कॉल करता है तो उसकी कॉल 32 कॉल एक साथ यहाँ बच सकती है एक लाइन पे। वैसे हमारे पास 4 लाइनें हैं यहाँ पे, तो कभी कोई लॉन्ग ब्लॉक नहीं हो सकती, आप कभी वो कभी कॉल वेटिंग में उसके जाएगा, वो कॉल उठेगा। आप आगे एक सेकंड, आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पे कॉल कोई भी कॉल आता है उसको उठाते हैं और उसके बाद उनकी समस्या को सुनते हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका संबंध पुलिस से, कई बार नॉन पुलिस की प्रॉब्लम दिया है जिसका संबंध पुलिस से, उसको ये अपने CRM पोर्टल पर नोट करते हैं। नोट करने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है, मैं डिले फर्स्ट डिले उसको मानता हूँ, वो 3 से 4 मिनट का डिले। उसके बाद ये यहीं से पुश बटन दबाते उसको जिस जगह से कॉल आया है उसके नियरेस्ट जो हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स वहीकल है, उस इमरजेंसी रिस्पॉन्स वहीकल पे सेम टाइम मतलब 2-3 मिनट के बाद ही वहाँ पहुँच गया। अब वो पहुँचते ही वो व्यक्ति उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन से कॉल आई है वहाँ पहुँचता है, और वहाँ पहुँच के उस व्यक्ति की बात सुनता है, और सुनने के बाद फिर नमस्कार पुलिस कंट्रोल रूम। पूरा एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर हमारे दर्शक आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये काम होता है। कॉल्स यहाँ पर आ रहे हैं जैसा सर ने यहाँ पर बताया, और उसके बाद पूरी डिटेल सुन के ली जाती है। 3 से 4 मिनट सर आपने बताया कि ये लगता है, और उसके बाद टोटल एक अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो और अब समझने की कोशिश यहाँ पर ये करते हैं कि कोई अगर 112 डायल करता है तो उसके बाद जो मेन एक दिक्कत है वो होती है इससे व्हीकल की, तो क्या उत्तराखंड पुलिस के पास अब कितने व्हीकल है ये हम जानेंगे यहाँ पर, और एक स्क्रीन हम यहाँ पर बड़ी सी देख रहे हैं सर, तो ये क्या है? देखिए आप इसमें देखिए हमारे सभी गाड़ियों में जो लोकेशन ट्रैकर लगा है वो उसका यहाँ पे आप डिपिक्शन देख रहे हैं इस पूरे स्क्रीन पे। जैसे आप देहरादून में देख सकते हैं सिटी एरिया में 56 व्हीकल्स है, देहरादून में 56 व्हीकल्स है, इसको आप बड़ा करके दिखा सकते हैं, देहरादून जिले को जरा बड़ा करिए। देहरादून के देखिए आप अब इन गाड़ियों की लोकेशन देखते रहिए कैसे कैसे फैली है। ये पौड़ी है, खींचे नीचे ले आप,
आप ये सब लोकेशन देख रहे हैं, ये गाड़ियों की लोकेशन, ये चूंकि पहाड़ का, पहाड़ पे भी देखिए ज्यादा डिस्टेंस नहीं है गाड़ियों में, मतलब हर जगह पर सफिशियंट गाड़ियां हैं। उन ये नजदीकी गाड़ियों का एडवांटेज क्या होता है, आपको पता होता है किस जगह पर वो व्हीकल है, तो आप यहाँ ये आपने जो बताया था कि वहां से कॉल टेकर डिस्पैच करता है, वो सीधे डिस्पैचर को जाता है जो कि गाड़ी में है, ये उसका एनालिसिस करते हैं। असली डिस्पैचर ये लोग हैं, इनको हम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एडेड डिस्पैच आप देख रहे हैं, इसका नाम है सी कैटेस। असली यहीं से डिस्पैच होता है, लेकिन समय को शॉर्टन करने के लिए हम इमीडिएटली वहां से भी डिस्पैच करते हैं। तो एडवांटेज क्या होता है कि ये एनालिसिस वाला पार्ट भी करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी व्हीकल नजदीक है, वहां व्हीकल पहुंची कि नहीं पहुंची, यहाँ पे हम उसकी एनालिसिस भी करते हैं कि वो डैशबोर्ड बना के कि वो सही काम की कि नहीं। और साथ में वायरलेस सेट का भी यहाँ पे सिस्टम है, जो कि अभी ये ROIP है हमारा, ये रेडियो ऑपरेटेड इंटरनेट प्रोटोकॉल पे, तो ये ROIP के माध्यम से कई सारे ऐसे लोकेशन पे जहाँ की हमारे वायरलेस सिग्नल नहीं पहुंचते लेकिन इंटरनेट है, तो वहां भी हम वायरलेस के माध्यम से डायरेक्टली उस मोबाइल गाड़ी से बात करते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ टोटल जो लोग बैठे हैं, इसमें पुलिस के कॉन्स्टेबल्स जो हमारे पुलिस के कॉन्स्टेबल्स की महिलाएं हैं, ना कि कोई प्राइवेट व्यक्ति है, तो इसमें ये चीज है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस तरह से पूरी यहाँ पर मैं एक चीज देख रही हूँ, मोबाइल ऐप ये ऐप है जो बिल्कुल, ये मोबाइल ऐप का सबसे एडवांटेज क्या है, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं इस समस्या को इमीडिएटली बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं उसको डायल 112 ऐप पे डाल देती हूँ, जिससे कि उससे फायदा होता है कि अगला तुरंत रिएक्ट कर देता है, उसको पता होता है ऐप जैसे ही आएगा ये ब्लिंकर होगा और ये कंट्रोल रूम वाले लोग वहाँ पे रिएक्शन भी होगा। मेल भी कर सकते हैं, एक मेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, ये दर्शन देख सकते हैं, dial112.ukpolice@gov.in। तो इसमें देखा ये SMS भी है, SMS नंबर भी है, मतलब सारे ऑप्शंस मतलब दिए हुए हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, ईमेल भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ऑप्शंस आपके पास ये सारे, क्योंकि जिसको जो भी कंफर्ट है आप कर सकते हैं। इमीडिएट चाहिए तो आई थिंक कॉल तो बेटर नहीं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप मेल भी करके अपनी जो शिकायतें दे सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि लोग अलग अलग तरह की परेशानी के लिए भी कॉल करते हैं, किस तरह की परेशानी आती है तो उसमें कई बार फोन हमारा इमीडिएट नहीं होता है, जैसे कोई किसी से परेशान है तभी वो फोन, किसी के यहाँ तो कोई ऐसा है कि उसके पड़ोस में लड़ाई हो रही है, छोटे मोटे झगड़े ऐसे होते हैं, पर वो भी आप 100 नंबर पर डाल कर 112 पर डाल कर बता देते हैं कि ऐसा हो रहा है, और पुलिस वहाँ पहुँचती है, कई बार उनको समझाना पड़ता है कि ये पुलिस से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है, कई सारे ऐसे मामले पुलिस से संबंधित नहीं होते, वहाँ भी हम लोग उनको काउंसिलिंग करते हैं। तो ये एक अगर देखा जाए तो पुलिस का एक फ्रंट फेस है, तो हम लोग का प्रयास ये होता है कि इस फ्रंट फेस को हमेशा हम ट्रेन करते हैं, जिससे कि कोई ऐसा काम गलत ना करते जिससे कि हमारा फेस खराब हो। जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा या पुलिस का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपके पास पहुंचेगा और आपकी उस समस्या को समाधान करने का पूरा भरसक प्रयास करेगा। तो ये आपने उद्देश्य यहाँ पर समझ लिया, और सर बहुत बहुत शुक्रिया पूरा प्रोसीजर यहाँ पर समझाने के लिए। और आपने भी देखा किस तरह से आप जिस तरह से कॉल कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, और सिर्फ ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए है, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति के लिए इस ऐप को या फिर कह सकते हैं इस नंबर को यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस लेकर आई है। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड का।